बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको सिखाऊंगी ये गोल बैंगन का कच्चा भरता। ये तला हुआ भरता भी बनता है, मगर मैं इसको चूल्हे पे भून के फिर आपको बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए आजकल इस तरह के ताज़े बैंगन आ रहे हैं। चलिए भून के बताती हूँ मैं आपको। फिर ये बड़े चूल्हे पे मैंने ये तीनों बैंगन भूनने के लिए रख दिए। इसको पलट पलट के हम भून लेंगे, पूरा अंदर तक पक जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको किस तरह से मैं बनाती हूँ भरता, फिर मैं वो आपको बताऊँगी। बैंगन हमारे भुन चुके हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये चूल्हे पे भुने, पूरे अंदर तक ही भुन चुके हैं, ये देखिए। अब इनको मैं छील के काट के इनको अच्छी तरह से मैश करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से भुरता बनाती हूँ। बैगन मैंने ये छील लिए हैं भून के चूल्हे पे। अब इनको मैं इस तरह से काटूँगी, ये देखिए सब गले हुए हैं बिल्कुल। अंदर भी देख लें कुछ कीड़ा वीड़ा हो तो नहीं, देखिए बिल्कुल साफ़ हैं, ये देखिए। इस तरह से करके फिर इनको इस तरह से करते हैं, मतलब जितना बारीक हो सके आप इसको इस तरह से मैश कर लीजिए। इसको भी हम इसी तरह कर लेते हैं जैसे ये बाकी के मैंने किए, ये देखिए। तरह से हम अच्छी तरह से इसको मैश कर लेंगे, कहीं बड़ा टुकड़ा नहीं रहे, सब एक साथ हो जाए सब, क्योंकि कच्चे भुरते में इसी तरह आपको करना पड़ता है, चूल्हे पे आसानी से बन जाता है ये। बैंगनों को हमने पूरा देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में सब कर लिया है। अब मैं जो चीज़ इसमें डालूँगी वो मैं आपको बता रही हूँ। ये हरी प्याज के ऊपर का हरा वाला पार्ट है, ये हरी मिर्चें हैं, ये हरा धनिया है, ये प्याज है, लाल मिर्चें, नमक, टमाटर, अदरक कटा हुआ बारीक, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये ज़ीरा। टमाटर ये मैंने ज़्यादा लिए हैं, इसमें जितने मुझे ज़रूरत होगी उतने लूँगी। बस इतने काफ़ी हैं। हम इसमें डालेंगे प्याज, ये एक दरमियानी साइज़ की प्याज मैंने डाली है। एक चमचा थोड़ा सा और उसमें डालेंगे ज़ीरा। हाफ से ज़्यादा नमक। हाफ चमचा लाल मिर्चें। ये हरी प्याज है, ये हम इसमें पूरी डाल देंगे क्योंकि वो दूसरी प्याज हमने कम ली है सफ़ेद वाली। हरी मिर्चें दो तीन हरी मिर्चें डाली हैं मैंने बस। थोड़ा सा हरा धनिया, कोथमीर अभी डालेंगे बाकी गार्निशिंग में। एक चमचा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट।
अब इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मिला लिया है, बिल्कुल आपको उसी चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब ये बन चुका है अच्छी तरह से। तला हुआ जो बनाते हैं उसमें बैंगन को पानी में उबालते हैं। मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डालूँगी ऊपर से। ये भुरता बहुत मज़े का बनता है। अदरक डालूंगी, अदरक लहसुन इसलिए डालते हैं कि बैंगन में ये सब चीज़ें डालते हैं, क्योंकि बैंगन बादी भी कहा जाता है, तो ये सब बादी उसकी से ख़त्म हो जाती है। हरा धनिया, लोग इसमें दही भी डालते हैं मगर मैं नहीं डालती, इसलिए मैंने नहीं डाला। गोल बैगन का कच्चा भुरता तैयार है। इस तरह से बनाइए, खाइए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।